कुछ लोग जो है वो सियासत से भी रिटायर देखा गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार साहब ने सही तौर पर अल्ताफ हुसैन का जानशीन होने का सबूत दिया। जिस तरह अल्ताफ हुसैन करते थे कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और फिर दोबारा सब लोगों ने उनको गुजारिश की और वापस आ गए पार्टी में। एक तो सियासत में होता है यू टर्न, जब इंसान किसी रास्ते पे जा रहा होता है, भूल जाता है, गलती महसूस करता है तो यू टर्न लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त MQM जो है वो राउंड अबाउट पे घूम रही है, तो उनको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। और 3 दिन से मेरे ख्याल से उन्होंने मीडिया को भी उसी बत्ती के पीछे घुमाया हुआ है, उसी राउंड अबाउट पे घूम रहे हैं। अभी तक उनको पता नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। तो आप क्या समझते हैं कि MQM बौखला गई है, या वो अपने वोटर को चकमा दे रही है और उसे चार्ज कर रही है महाजर का नाम लेकर? मैं समझता हूँ कि इस वक्त MQM कन्फ्यूजन का शिकार है, और शायद कुछ इसमें PMLN का भी हाथ है कि कोई डायरेक्शन लेते हैं वो MQM वाले और फिर PMLN उनको डाइवर्ट। तो अभी वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, अल्लाह करे उनकी, अल्लाह ताला मदद करे और कन्फ्यूजन उनकी दूर। तो आप समझते हैं कि PML नून जो है वो आपसे मुकाबले के लिए MQM के बैक पर खड़ी है? नहीं, हमसे मुकाबले के लिए MQM जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल से इस वक्त जो PMLN का जो टारगेट है, जो एक वो लड़ाई चाहते हैं, एक अदम इस्तेकाम चाहते हैं, उसके लिए उनको जो भी हाथ में जो भी पार्टी आई तो उसकी वो सपोर्ट चाह रहे हैं। तो आप मशवरा नहीं देंगे MQM को कोई वो PMLN के हाथों इस्तेमाल ना हो और अपनी विकेट पर खेले? देखिए जी, मेरा मशवरा कुछ नहीं है, जो वो बेहतर समझे अपने लिए MQM, क्योंकि ज़्यादा MQM सफ़र कर रही है। अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए जो बेहतर पॉलिसी समझेंगे तो वो उनका हक है और वो करते रहें। कल आपने एक बात की थी कि जो PSP के हैं उनमें भी कुछ दहशतगर्द अनासर है, क्योंकि आपने कहा था काफ़ी MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुए, क्या PSP में कोई ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए? देखिए जी, ऑपरेशन तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। जहाँ तक PSP की बात है, PSP के लिए मैं समझता हूँ कि अगर MQM अपने इस मौके पर डटी रही, जो उन्होंने आखिरी उनका मौक़ था, तो मुस्तफ़ा कमाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं कि वो MQM ज्वाइन करे। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि कराची की सियासत में जो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए जो सारा किया जा रहा है, इसमें वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कराची में खसूसी तौर पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी, क्योंकि कराची की तंजीम इस वक्त बड़ी एक्टिव है। डॉक्टर आसिम हैं, सईद गनी साहब हैं, ये सब मेहनत कर रहे हैं और डिलीवर भी हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी शहर में जो डेवलपमेंट काम किए हैं तो लोग देख रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहे हैं वो सारी डेवलपमेंट। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को पहले से बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या MQM के वो लोग जो ना PSP से खुश हैं ना MQM से, क्या उन्हें दावत देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के दरवाजे नहीं रोके, जो भी पीपल्स पार्टी में आना चाहे तो पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करती है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कोई इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन इस वक्त इन दोनों पार्टियों के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी आजमाइश है, और MQM थोड़ी मजबूत विकेट पर नज़र आती है और मुस्तफ़ा कमाल साहब थोड़ी कमज़ोर विकेट पर नज़र आते हैं। आपसे एक मासूमाना सवाल है, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं? देखिए जी, जेल जेल होती है और जेल में तकालीफें भी होती हैं। ज़रा जिस तरह आप अपने घर में रहते हैं, सर आप जेल में नहीं रह सकते, जेल में तकालीफ भी होती हैं और मुख्तलिफ कैदीज के इशूज़ भी हैं, और उसको हम एड्रेस भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी गुजारिश की है हमने कि जो जेल के कैदियों के मसाइल हैं, अभी तक पहले से काफ़ी बेहतर है जेल वैसे, खाने के हवाले से लोगों को बेहतर खाना मुहैया किया जा रहा है। 2008 से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वहाँ पर बेहतरी हुई है, लोगों को कुछ सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, जेल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं असेंबली के फ्लोर पे भी आवाज़ उठाऊंगा और अपनी लीडरशिप से भी बात करूंगा। शुक्रिया।